Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ चिकन गोला कबाब। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आएगा इसके अंदर, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून है, फ्रेश कोरिएंडर है, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्याज। आप अपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, उसको फाइनली चॉप कर लिया था, और यहाँ पर चिकन मैंने 1/2 kg लिया है, चिकन का कीमा 1/2 kg है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ घी 1 टेबल स्पून, अगर आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, बटर यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हमें करना क्या है, सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेना है। तो मैं सबसे पहले इसमें यहाँ पर प्याज मिक्स कर रही हूँ, इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद में रेड चिली पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून है यहाँ पर मैंने, और मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी 1/2 टीस्पून ही यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल है, क्विक और इजी तरीके से बता रही हूँ मैं। आपने क्या करना है, इसको पूरा मिक्स करके, आप चाहो तो आप इसको फ्रीज़र में भी 20-15 डेज़ के लिए रख सकते हो, और रखने के बाद में जब भी कोई आपके घर में मेहमान वगैरह आता है, मतलब आप बॉक्स में रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। घी भी मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है, अगर आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बटर यूज़ करो, बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस कबाब का। और मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, आप चाहो तो मटन के साथ में भी बना सकते हो, मटन के कीमे के साथ में भी बना सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसे करना है, बस हमें इसे राउंड शेप दे देना है, बहुत ही इजीली बन जाता है ये, बस इसे बॉल का, एक स्मॉल बॉल का शेप दे देना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको बॉल का शेप दे रही हूँ। तो चलिए अभी इसे मैं फ्राई करने के लिए चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने पहले ही चेक करने के लिए डाल दिया था कबाब। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने गैस लो टू मीडियम हीट पे ही रखिएगा, और कढ़ाई में आप इसको पकाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने यहाँ पर आउटडोर करी थी, तो मेरे पास में फ्राई पैन था, तो मैंने फ्राई पैन में बना लिया है, इसको फ्राई कर लिया है। आप चाहो तो कढ़ाई में बना लीजिए, जैसे हम कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं, उस तरीके से आप इस कबाब को डीप फ्राई कर लीजिए, लेकिन गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिए, तो ये एक ही साथ में ही पूरा चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अभी मैं फ्राई पैन में बना रही, तो मुझे इसे थोड़ा सा साइड में घुमा के हर तरफ से, चारों तरफ से इसे फ्राई करना होगा और पकाना होगा। तो बस मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही जूसी होता है, अंदर से बहुत ही जूसी रहता है और फ्लेवरफुल रहता है। मस्का आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास में मस्का नहीं था, बटर नहीं था, तो इसीलिए मैंने घी यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास में कढ़ाई नहीं थी, फ्राई पैन था, तो इसीलिए मैंने पलट पलट के फ्राई किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से बन गया है, 2-3 मिनट में फ्राई हो जाता है। तो ये फ्राई हो गया, तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अगर मेरे को आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।